हम लोग का प्रेस वार्ता का उद्देश्य यही है कि हम लोग जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम आगामी 20 मार्च 2023 दिन सोमवार को ऐतिहासिक विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम घोषणा किए थे उस कार्यक्रम को थोड़ा बहुत फेरबदल करते हुए वही दिन वही तारीख वही समय स्थान को प्रतिस्थापित करते हुए यही मोरावादी मैदान के बापू वाटिका के समक्ष राज्य के पूरे तमाम हजारों हजार लाखों लाख युवा एकत्रित होंगे और यहां से एकत्रित होकर के मोराबादी से सीएम आवास तक अधिकार मार्च अधिकार यात्रा करते हुए जाएंगे और महा आदरणीय सीएम साहब का आवास का घेराव करेंगे। हम लोग का स्थान प्रतिस्थापित करने का उद्देश्य यही है कि जब पिछला 21 दिसंबर को जब हम लोग विधानसभा का घेराव किए थे तो विधानसभा के अंदर सार्वजनिक तौर पर ऑन कैमरा माननीय मुख्यमंत्री कहे थे कि युवा जो मांगेगा वही देंगे और एक महीने के अंदर झारखंड हित में नियोजन नीति लागू करके नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेंगे और तब से आज हम बता देना चाह रहे हैं कि एक महीना नहीं दो महीना नहीं तीन महीना हो गया लेकिन अभी तक नियोजन नीति के मामले पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है और हम लोग का लगातार डिजिटल आंदोलन हो फिजिकल आंदोलन हो हर आंदोलन सफल होने के परिणाम स्वरूप सदन के अंदर के सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो का जो सरकार तो बोल रही कि फेल हो गया है कुछ फेल नहीं हुआ है जांच करवाए हवा हवाई बोलने से नहीं होता कितना झूठ बोलिएगा। हम लोग का डिजिटल और फिजिकल का सफल आंदोलन के परिणाम स्वरूप सत्ता पक्ष के विधायक भी और विपक्ष के विधायक भी सदन में लगातार सवाल खड़ा करें कि मुख्यमंत्री महोदय अब नियोजन नीति के मामले पर कुछ बोलिए कुछ बोलिए कुछ बोलिए लेकिन कुछ बोलिए नहीं रहे कुछ बोलिए नहीं रहे मतलब हमारा समस्या का जड़ क्योंकि सदन में तो आवाज उठ ही रहा है तो हमको समस्या का जड़ हम लोग का सीएम साहब है तो अगर हमारा नियोजन नीति समस्या का समाधान खोजना है तो हमको समस्या का जड़ पे जाना होगा अर्थात सीएम का आवास के पास जाना होगा। तो हम लोग आगामी 20 तारीख को पूरे झारखंड के छात्र इकट्ठा होकर सीएम आवास तक जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य के तमाम छात्र नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि हमें सीएम आवास के लिए हम लोग ने अपना आवेदन भी दे दिया है परमिशन लेटर भी दे दिया है आप लोग कितनों भी व्यस्तता रहिए कुछ भी काम करिए किसी भी तरह का स्थिति परिस्थिति में रहिए आपके पास खाने का हो या नहीं हो आप पैदल आइए साइकिल से आइए गाड़ी से आइए बस से आइए किसी भी स्थिति परिस्थिति में आइए और हम लोग उस दिन समय 11 बजे यही बापू वाटिका पहुँच जाइए आगामी 20 मार्च 2023 को और उस दिन छात्र को संबोधित करने के लिए क्योंकि पूरे राज्य के छात्र आएंगे और उस दिन छात्र को संबोधित पूरे राज्य के तमाम आंदोलनकारी छात्र नेता मौजूद रहेंगे। उस दिन इस आंदोलन पे टाइगर जयराम महतो जी आएंगे मनोज यादव जी आएंगे मोतीलाल महतो जी आएंगे योगेश भारती जी आएंगे गुलाम हुसैन जी आएंगे इमाम जी आएंगे राजेश जी आएंगे सत्यनारायण जी आएंगे और ऐसे और अनेकों जो है कि संजय महतो जी आएंगे सब कोई बापू वाटिका के समक्ष खड़ा होने देगी। देखिए ये हम कह देना चाहते हैं तमाम दर्शकों को कि हर आंदोलन को रोकने का प्रयास करता है लेकिन हम लोग का इस बार का आंदोलन को ये तानाशाही सरकार पूरी तरह ध्वस्त करना चाहता है। ब्रेकेटिंग हर बार का आंदोलन में लगता है लेकिन जिस दिन आंदोलन होता है उस दिन ब्रेकेटिंग लगता है। मैं बता देना चाह रहा हूँ पिछले अभी हम लोग का 3 दिन बाकी है और पिछला 3 दिन से हमारे हजारीबाग के साथियों को जो लीड करते हैं पुलिस के द्वारा फोन करके बुलाया जा रहा है। हमारा सरायकेला खरसवा जमशेदपुर गुमला लोहरदगा गोट्टा देवघर पलामू के छात्रों को मेरा फोन करके बुलाया जा रहा है कि नहीं जाना है नहीं जाने देंगे लेकिन हम कह देना चाहते हैं अरे तानाशाही सरकार इस बार आप कितनों ताकत लगा दीजिए इस बार आप कितनों प्रशासन लगा दीजिए युवा वो होता है इसको पलटा दीजिएगा तो वायु होता है और वायु को कोई ताकत नहीं रोक सकता है। ये सरकार का तानाशाही रवैया और यहाँ का पुलिस प्रशासन तो का उस दिन युवा हर हाल में सीएम आवास तक पहुँचेंगे खिड़की से दरवाजा से वेंटिलेटर से घुस जाएंगे और वहाँ कहेंगे कि हमारा हमें नौकरी दीजिए हमें नियुक्ति दीजिए और हम लोग का जो उस दिन का डिमांड होगा जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया चालू करिए और हकमार नियोजन नीति 60/40 को वापस करते हुए झारखंड हित में नियोजन नीति को
को पारित करके तत्काल परीक्षा आरम्भ करिए और यहाँ जितना सेटिंग गेटिंग ब्लूटूथ होता है या पेपर लीक होता है सबको देखते हुए यहाँ पेपर लीक विधेयक कानून को भी पास करिए साथ ही साथ और पारदर्शिता से जितने भी यहाँ बहुत कष्ट से जो लंबे समय से संघर्ष करते हुए पढ़ाई लिखाई करते हैं तैयारी करते हैं उसका जो सपना है उसका चकनाचूर मत करिए, उसको पढ़ने दीजिए और जो है कि उसको अपना नौकरी जिसका जैसा योग्यता है उसका योग्यता के अनुसार उसको नौकरी देने का काम करिए। और यह एक आर पार का लड़ाई है साथियों और तमाम छात्रों से मेरा और एक निवेदन होगा, कुछ सरकार का भाड़े का आईटी सेल कुछ गुमराह कर रहा है कि परीक्षा का नाम से तो नीति का नाम से इस सब में दिग्भ्रमित नहीं होना है, सभी कोई को स्पष्ट रूप से कमर कस लेना है, ये मान के चलना है कि हम लोग का समस्या का नियोजन नीति का नियुक्ति प्रक्रिया का यह आर पार का निर्णायक लड़ाई है। क्योंकि यह बजट सत्र है, इसके बाद मात्र ये सरकार का अंतिम साल है, सरकार का अंतिम साल के बाद जो है कि कुछ दिन आएगा फिर लोकसभा का चुनाव आ जाएगा फिर विधानसभा का चुनाव आ जाएगा फिर ये लोग को बहाना मिल जाएगा और बहाना करने में लोग माहिर है, कभी G20 का बैठक का बहाना, कभी रामगढ़ उपचुनाव का बहाना, कभी सर्वदलीय बैठक का बहाना, कभी कैबिनेट बैठक का बहाना, तमाम तरह के बहाना इन लोग को चाहिए। मुख्यमंत्री आवास कितने संख्या में घेरने जाइएगा आप लोग? ये लाखों लाखों की संख्या में होंगे दादा, यहाँ युवाओं की कोई संख्या नहीं होती है, युवाओं की कोई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000 का कोई गिनती नहीं होगा, यहाँ हजार लाख लाख में आएंगे, यहाँ लाख में आएंगे। मैंने इस बार प्रशासन को आप लोग दम दिखाइएगा, तो युवा को पलटा दीजिएगा वायु होगा, वायु को कोई प्रशासन कोई तंत्र आया नहीं है कि वायु को रोक दे, वायु को कोई नहीं रोक सकता है, ये आंधी तूफान होगा भूकंप की तरह यहाँ कुछ करेंगे, सब ज्वालामुखी की तरह विस्फोट होकर के सब उस दिन आ जाएंगे यहाँ और अपना जो लंबे संघर्ष कर रहे हैं छात्र नौजवान जो आंदोलन कर रहे हैं इस बार आर और पार का होगा। मैं नियोजन नीति लेके ही आप लोग लौटिएगा मुख्यमंत्री आवास से, एकदम लेके लौटेंगे हम लोग, सीधा उसके पढ़ने के लिए चल जाएंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे हम लोग। हम लोग चूंकि हम लोग राजनीतिक नेतागिरी पक्ष विपक्ष के चक्कर में बीच में नहीं पिसाना है नहीं फंसना है, शुद्ध रूप से हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं, हम लोग आंदोलन को सफल करेंगे।